গোটা বিশ্বে হইচই পড়ে গিয়েছে তুমুল ভাবে খাসির মাংসের চেয়েও দাম বাড়া পেঁয়াজের। 1 কেজি পেঁয়াজের দাম 1300 টাকা। পেঁয়াজের স্মাগলিং চলছে রীতিমতো। ভারত যখন মাঝে মধ্যেই পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয় তখনই পেঁয়াজের দামে না বিশ্বাস ওঠে বাংলাদেশের মানুষের। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মে হু এহসান খান, মে হু আলী মুর্তজা, আর আপনি দেখ রহে হ্যায় হামারা ইউটিউব চ্যানেল এহসান রিঅ্যাকশন উইথ এহসান। হাম উম্মীদ করতে হ্যায় আপ জাহাঁ ভি হোঙ্গে এনজয় করতে হোঙ্গে, মজে মে হোঙ্গে অর ফিট ফাট হোঙ্গে। ভিউয়ার্স, বহুত হি ইম্পর্টেন্ট ইয়ে জো নিউজ নিকল কর সামনে আ রহি হ্যায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া, ইন্ডিয়ান মিডিয়া কহ রহা হ্যায় কি ফলপাইন মে জিস তরহ সে ফ্লড আয়া হ্যায় और वहां पर प्याज की ऑनियन की जो प्राइस है बड़ी हाई हो गई है। और 1200 रुपए किलो प्याज मिल रहा है फिलिपाइन में। लेकिन विवर साथ ही साथ जो इंडिया है, जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है, वो बांग्लादेश को भी वार्न कर रहा है। और सावधान हो जाएं यार। हाँ, सावधान हो जाएं आप, मोहतात हो जाएं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि आप नहीं ले रहे हमसे प्याज। बांग्लादेश इंडिया से प्याज नहीं ले रहा। आपको पता है कि 2019 के इंसिडेंट के बाद बांग्लादेश ने खुद से प्रोड्यूस करने की ठान ली थी। बांग्लादेश के फार्मर्स ने, बांग्लादेश के साइंटिस्ट ने, आज बांग्लादेश खुद से अपनी जरूरियात पूरी कर रहा है प्याज को लेकर के। जी हाँ, बल्कि वो दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब देखें, वो साथ में डरा भी रहा है, हवाला भी दे रहा है, रेफरेंस भी दे रहा है, और साथ में इंडिया बांग्लादेश को धमका भी रहा है, खौफ से डरा रहा है। इनडायरेक्टली इसे थ्रेटिंग बोला जाएगा, धमकी कह रहा है कि देखें उधर तूफान आ गया है, उधर फ्लड आ गया है, और उनकी जो प्राइस है फिलिपाइन में वो लगभग 1200 रुपए किलो हो चुकी है। लिहाजा उधर तो लोग जब शादी में जहेज के तौर पर जब गाना पहनाते हैं हाथ में, तो भाई वो तो प्याज का पहनाते हैं, यानी वो उसको फन के तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि प्याज वहां पर इतना मुश्किल से मिल रहा है, नायाब हो चुका है, महंगा हो चुका है, उसकी प्राइस हाई हो गई है। अच्छा, अब जो चीज निकल कर व्यूअर्स सामने आ रही है ना, वो ये आ रही है कि वो कह रहे हैं कि आप हमसे अगर प्याज नहीं लोगे, फ्लड अगर बांग्लादेश में आ गया, तो फिर आपको भी फिलिपाइन की तरह ही सरवाइव करना पड़ेगा वहां पे। भाई वो कह रहे हैं शादी पे अगर कोई जाता है गिफ्ट देने के लिए, तो गिफ्ट में कोई और चीज नहीं बल्कि प्याज देते हैं। उन्होंने एक वो मीम्स बनाई है ना, कि वहां पे इतना ज्यादा रेट हो गया, इतनी ज्यादा प्राइस हाई हो गई है इस वजह से। लेकिन अब वो बांग्लादेश को इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं कि भाई आप भी सावधान हो जाएं, आपके ऊपर भी इस तरह का वक्त आ सकता है, आप लोग हमसे अगर प्याज नहीं ले रहे तो आपके ऊपर इस वक्त इस तरह का वक्त आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन देखें, इंडिया के अंदर इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो तो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर बैठे रहे हैं इतना अरसा कि आप हमसे प्याज ले लें, आप हमसे प्याज ले लें, पोटैटो के लिए रिक्वेस्ट करते रहे, पोटैटो ले लें। लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी रिक्वेस्ट करती रही है, लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि हम 2019 वाला इंसिडेंट जो है वो नहीं भूल पाएंगे और हम ये जो है ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अच्छा, चले वो इंसिडेंट को अलग कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं, अगर ले भी लेता है बांग्लादेश से प्याज, तो फिर बांग्लादेश का जो फार्मर्स है उसको बहुत ज्यादा नुकसान लॉस होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो नुकसान का अजाला कौन करेगा? ये तो हुकूमत तो अपने फार्मर्स को कभी भी नुकसान नहीं ना पहुंचाती। बिल्कुल। फिर क्यों बांग्लादेश लेगा भाई इंडिया से प्याज? असल में ना अब वो आ गए हैं लास्ट स्टेज पे। हमेशा ये एक स्ट्रेटजी रही है हर देश की कि वो पहले डायलॉग पे आते हैं, फिर वो मिन्नत समाजत पे आते हैं, रिक्वेस्ट और जिसको कहते हैं ना एक्सक्यूजेस पे आ जाते हैं, और फिर आखिर में आकर धमकियां देना शुरू कर। वही बात हुई। अब वो कह रहे हैं कि देखे फिलिपाइन में फ्लड आ गया, तो हमारा तो प्याज बहुत ही नायाब है, हम तो स्मगल भी कर रहे हैं बहुत सारे मुल्क, लेकिन इंडिया तो अब फिलिपाइन को भी प्याज दे सकता है, दूसरे मुल्कों को भी दे सकता है, लेकिन अगर अब हमसे बांग्लादेश ने मांगा तो हम इसको नहीं देंगे। तो इसके ऊपर हमारे पास एक इंडियन मीडिया की, वेस्ट बंगाल मीडिया की एक रिपोर्ट है। पहले वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। रिपोर्ट देखने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे करें सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक जरूर लिखा करें। अच्छा, एक चीज हम आपसे करना चाहते हैं, शेयर क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, ये जो न्यूज होती है हम उसी के ऊपर तबसरा करते हैं, तजिया करते हैं, एनालिसिस देते हैं, यानी रिएक्शन देते हैं। हम खुद से कोई भी ऐसी चीज नहीं, उसके ऊपर मसाला नहीं भरते जो ग्राउंड रियलिटी हो ही ना, जिस खबर का वजूद ही ना हो। हम वो खबर आपके सामने लेकर आते हैं
जो हकायक पर मबनी हो। बिल्कुल, हमें कोई जरूरत नहीं कि कोई भी इस तरह की मतलब कंट्रोवर्सी फैलाने की या फिर कोई भी इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात खराब करने की, हमें इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। हम आपके सामने वो चीज लेकर आते हैं जो वाकई ही खबर है। बिल्कुल, और हम तो चाहते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तान और बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि हम इंडिया में जाकर आईपीएल देखें, हम चाहते हैं कि इंडिया में जाकर पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया देखें। हमारा तो मन ये दिल चाहता है, जो सबसे एक्सपेंसिव जो मैच होता है। हाँ, तो हम वो मैच देखें, लेकिन हमारा हर गिज मकसद पर्पज नहीं है कि किसी भी मुल्क के दरमियान को क्लैश करवाना। हमारे लिए सब ही काबिले एहतराम है, रिस्पेक्टफुल कंट्री है हमारे लिए सब की सब। बिल्कुल, और हम तो ये हमेशा हमने पीस की बात की है। बिल्कुल, लेकिन जो खबर होती है, जो न्यूज होती है, हम उसको अगर ना दें तो फिर हमारी जिम्मेदारी भी खराब हो जाती है। जी बिल्कुल, हम एज ए जर्नलिस्ट हम आपको सिर्फ ग्राउंड रियलिटी बताना चाहते होते हैं। हम ये नहीं कर रहे होते कि आपको बांग्लादेश को लड़ा दें इंडिया के साथ, इंडिया को लड़ा दें पाकिस्तान के साथ, ऐसा हम कुछ नहीं करना चाहते। हम सिर्फ आपको खबर देते हैं कि खबर इस वक्त ये चल रही है। देखिए ना, ये वीडियो क्लिप है आप। जी बिल्कुल, इसको देखें, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम गलत हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, तो खैर वीडियो की तरफ बढ़ती हैं जी। 3-2-1 एंड क्यू। গোটা বিশ্বে হইচই পড়ে গিয়েছে তুমুল ভাবে খাসির মাংসের চেয়েও দাম বাড়া পেঁয়াজের। 1 কেজি পেঁয়াজের দাম 1300 টাকা। পেঁয়াজের স্মাগলিং চলছে রীতিমতো। দেশে কোনেকে উপহার হিসেবে দেওয়া হচ্ছে পেঁয়াজ। কোন দেশের এমন করুণ অবস্থা হলো আপনি জানেন? আপনি ভাবছেন পাকিস্তানের? না, পাকিস্তানের নয়, বলা হচ্ছে বিশ্বের সব দেশে পেঁয়াজের দাম বাড়তে পারে ঠিক এই দেশটার মতোই। এরপর তালিকায় তাহলে কোন দেশ, কোন দেশের অবস্থা এরকম হবে যেখানে মাংসের থেকেও দাম বেড়ে যাবে পেঁয়াজের? পেঁয়াজ মহার্ঘ হয়ে যাচ্ছে বারে বারে। শুনুন তাহলে, ফিলিপিন্সের বাজারে এখন মাত্রা ছাড়া দাম উঠেছে পেঁয়াজের। পাকিস্তানের থেকেও বেশি দাম পেঁয়াজের ফিলিপিন্সে। প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 1196 টাকা। বিশ্বজুড়ে চলা মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়েছে ফিলিপিন্সের পেঁয়াজ। আপনি জানেন পেঁয়াজের স্বাদ ভুলতে বসেছে ফিলিপিন্সবাসী? সেখানকার রেস্তোরাঁগুলোতে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে নোটিশ বোর্ড যেখানে লেখা খাবারের উপর বেরেস্তা দেওয়া হয় না। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই দেশটিতে প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম মাংসের চেয়েও বেশি। গেল মাসে দেশটিতে মূল্যস্ফীতি পৌঁছেছে 14 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। অগস্ট মাসের পর দুটো শক্তিশালী ঝড় হয়েছে ফিলিপিন্সে, পেঁয়াজের বীজ নষ্ট হয়ে গেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় এই পণ্যটির দাম একেবারে আকাশচুম্বী। চাহিদার তুলনায় যোগান কমে যাওয়ার ফলে পেঁয়াজের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়েছে দেশটিতে এরকম ভয়ানকভাবে। পাকিস্তানে যেখানে পেঁয়াজের দাম 300 টাকা ছাড়িয়েছে, সেখানে ফিলিপিন্সের এই অবস্থা। সব দেশ ভয়ে আটকে উঠছে, যদি পেঁয়াজের দাম কোনো দেশে এরকম হয়ে যায় কি হবে তাহলে? ধরুন ভারতে হলো, ধরুন বাংলাদেশে হলো, তাহলে ফিলিপিন্সের মতোই অবস্থা হবে। ভারত যখন মাঝে মধ্যেই পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয়, তখনই পেঁয়াজের দামে নাভিশ্বাস ওঠে বাংলাদেশের মানুষের। ভারতে পেঁয়াজের দাম বাড়লেই ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब जो प्याज है वो फिलिपाइन में तो नायाब हो गया है। बड़ी कदर की नजर से उसको देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर आपने देखा कि गाना भी पहना गया, फिर माला भी, जहेज में, शादी में, मतलब प्याज लड़की वाले दे रहे हैं लड़के वाले को। किस तरह से मतलब प्याज की इतनी डिमांड बढ़ चुकी है फिलिपाइन में। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बांग्लादेश को भी कहा जा रहा है, बांग्लादेश को अलार्म दिया जा रहा है, बांग्लादेश को अलर्ट किया जा रहा है, अगर आपने प्याज ना लिया, फ्लड आ गया, तो फिर आपका क्या बनेगा। लेकिन ये भी तो देखे ना, कुदरत का निजाम है, अगर फ्लड इधर आ सकता है तो बॉर्डर की दूसरी साइड पे भी आ सकता है, अगर इंडिया में आ जाता तो वो क्या करेंगे, ये भी तो सवाल है ना। खैर ये चीजें नहीं होती, ये इफ एंड बट होती है। जी अगर मगर की जंग नहीं होती, ये तो हकायक पर जो चीजें होती हैं उसी को देखकर इंसान आगे अपना मतलब वो एस्टिमेटेड करता है हर चीजों को। जी बिल्कुल, लेकिन जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखें किस जो बांग्लादेश को अगर इंडिया कहे कि भाई आपको हम प्याज नहीं देंगे तो आप भूखे मर जाएंगे, आपको हम पोटैटो नहीं देंगे आप भूखे मर जाएंगे, इस तरह का कुछ नहीं है। बांग्लादेश जो है वो एक खुद मुख्तार कंट्री है, इस वजह से वो अपने आप पे सब कुछ प्रोड्यूस करता है, बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। तो बांग्लादेश को मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल के किसी भी चीज की जरूरत है किसी भी कंट्री से। वो अब खुद मुख्तार कंट्री है और वो सब कुछ खुद से प्रोड्यूस कर सकते। जी हाँ व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।